उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात करती हुई नजर आ रही है। वहीं जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एंटी भू माफिया अभियान चलाकर जमीनों को कब्जा मुक्त करा रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल व उसका पुत्र रोजगार सेवक ने ग्राम प्रधान से मिलकर तालाब व ग्राम सभा की लगभग 6 बीघा भूमि पर ग्रामीणों को गुमराह कर पंचायत घर और बारात घर के नाम पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर लिया है, जिसमें दबंग अब वर्तमान में साइकिल स्टैंड और भूसी की भुर्जी लगाकर निजी डिग्री कॉलेज बनाने की ग्रामीणों को एलानिया धमकी दे रहा है, जिसकी शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई है। यह पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बिछुआ क्षेत्र के ग्राम सभा दलीपुर कैलाई के ग्राम जसवंतपुर का है। इसी गांव के रहने वाले देवेंद्र सिंह चौहान, जो पूर्व में लेखपाल रह चुके हैं, वह उसके पुत्र अखंड प्रताप, जो रोजगार सेवक ने लोगों को गुमराह करते हुए ग्राम पंचायत की जमीन व तालाब पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल बना ली है, जिसके चलते ग्रामीणों का घर से निकलने वाला गंदा पानी घरों में भरा रहता है और आगामी दिनों में बरसात का महीना आने वाला है। गांव में तालाब न होने के कारण अब वह पानी न चाहते हुए भी घरों में भरा रहेगा, जिससे गांव में संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका रहेगी। वहीं ग्रामीणों के अनुसार तालाब और जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत उच्च अधिकारियों मुख्यमंत्री पोर्टल पर जनसुनवाई के तहत कई बार की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई है, जिससे दबंग भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जो वहां पर डिग्री कॉलेज बनाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब एंटी भू माफिया के विरुद्ध जिले के आला अधिकारियों की मिलीभगत से कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस संबंध में अपर जिलाधिकारी से पूछताछ की तो वह कैमरे के सामने टालमटोल करते हुए नजर आए। देखें यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, किस गांव के रहने वाले हैं? निशा जवान, जसवंतपुर निवासी। अच्छा, ये निशा जी, ये बताइए कि ये तालाब यहाँ पे था 4 बीघे में और आबादी पड़ी हुई थी 6 बीघा की। अच्छा, इसमें जो है ना बरसात का पानी भरता था, अब बरसात होती तो कहाँ पानी जाता है? सर कहीं नहीं, घर में ही भरता है पानी, पानी निकलने की कहीं जगह ही नहीं है तो क्या करे कोई। अब मतलब सारा जगह जो है इन्हें कब्जा कर लिया है, यहाँ पे भरा डाल रखा है, ये सब कर रखा है, हम लोग पूरा गांव को मतलब इतना मुसीबत हो रहा है, पूछो मत। अच्छा, ये किन लोगों ने किया है? लेखपाल यही है, मतलब क्या नाम, देवेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, तो यहाँ और किसी को नहीं घुसने देते? किसी को नहीं घुसने देते, उसने तो अभी फाटक भी खुला है ना, तो पहले तो फाटक भी बंद रहता था। अच्छा, क्या कहते हैं? क्या उनका कब्जा है भाई, उनकी हुकूमत है, पैसा है उनके पास, हम गरीब आदमी है, हम लोगों के पास क्या है भाई, जहाँ पैसे का दाव रहेगा वही दुनिया खड़ी होती है, हम लोगों के पास कौन खड़ा होने वाला है। नाम है दादा आपका? हमारा सुरेंद्र सिंह है। किस गांव के रहने वाले हैं? जसवंत। अच्छा, जसवंत, कौन सा ये जो है ना ग्राम पंचायत है आपकी? दलीपुर। अच्छा, ये बताइए, ये जो ना यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, ये तालाब की जगह है? तालाब की जगह साहब। कितना बिस्वा जमीन है? कम से कम हमारे का 4 बीघा से कम ना है। इस पर कब्जा किसने कर रखा है? इसमें साहब लेखपाल जो है देवेंद्र सिंह, उन्होंने कब्जा कर रखा है। क्या आपके गांव के निवासी हैं वो? वो हैं गाँव के निवासी, अब लेखपाल रिटायर है, अब इन साहब गए हैं जगह घेरा घाई नहीं करी। अच्छा, कितने दिन पहले की है थी? तो हुई होगा 3-4 महीना, 1 साल, 1 साल के लगभग हो चुकी। अच्छा, मगर गुमराह कर रहे ना। क्या क्या गुमराह? जबकि पंचायत घर इसमें बनवाएंगे और बारात घर बनवाए तो साफ उनके बाउंड्री के बाद फिर उन्होंने अपनी साइकिल स्टैंड बनाए लो। देखिए, ये तो हमारी संपत्ति है। अच्छा, क्या आपने कहा था, उनसे बताया था कि यहाँ कब पंचायत घर बन रहा है? साहब जब बाउंड्री खरीदी उन्होंने जाबाद प्रधान ने, उन्होंने दोनों ने जाबाद कही थी कि पंचायत घर और बारात घर बनवाए, उसी में आदमी गुमराह बनो रहो। हाँ, अब कुछ नहीं किया? अब कुछ ना। अच्छा, ये जो ना ईंटे क्या उसे विकास फंड से लगी हुई है, ग्राम निधि से? हाँ, ग्राम सेवक ना, उसे लगवाई, मिलकर ही लगवाई। अच्छा, यहाँ प्रधान देखने आते थे क्या? प्रधान संघ आते। अब क्या कहते हैं देवेंद्र? अब प्रधान जगह तो अपनी देखो बार, हमारी बस की बार, हम कहा हमें इससे कोई मतलब ना। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।